मैं मित्रा, चूंकि मुझे जाना है, यहाँ आपस में दो बाइकें भिड़ गई है और इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है। बहुत ही दुखद खबर है। एक युवक ने वही मौके पर ही दम तोड़ दिया। दो युवक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। हादसे में दो की हालत गंभीर है। दोनों को रायपुर बेमित्रा से भेज दिया गया, रेफर कर दिया गया। ये भिड़नी सावंतपुर के पास घटना हुई है और जहां तक मेरा अनुमान है, चूंकि अभी ये खबर हमारे संवाददाता ने अपडेट नहीं किया है, तेज रफ्तार की वजह से ही हुआ होगा। अनुमान लगा रहा हूं कि ये तेज रफ्तार, अगर देखिए दो बाइकें भिड़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ये तेज रफ्तार का ही कहर है। ये ध्यान देना चाहिए ड्राइव करते वक्त। आप जहां पहुंचना है आपको, उस गंतव्य स्थल में आप देख लीजिए तेज चला के और एवरेज स्पीड चला के देख लीजिए। अगर 5 मिनट से ज्यादा का अरक फरक हो जाए तो आप बताइए। तो जान है तो जहान है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, इन बातों का ध्यान। तीन लोगों की जान चली गई है, बताइए इस हादसे में। ये दो बाइकों की भिड़ंत में हुआ है ऐसा, दो बाइकों की भिड़ंत में ऐसा हुआ है। और अच्छा, ये देखिए, आप एम्बुलेंस नहीं मिली। अच्छा, एक ही खबर में दो खबर है, समझिएगा। अब कैसे इनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जरा ये देखिए आप। मध्य प्रदेश की स्थिति भी आप जरा देखिए, बल्कि मध्य प्रदेश तो उसके पहले खबर थी, छत्तीसगढ़, कमोबेश यही मध्य प्रदेश में भी स्थिति है। देखिए, छत्तीसगढ़ में एम्बुलेंस भी नहीं मिली, ये किस तरह से इन लोगों को लाया गया है, यहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया। ये बेमेतरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं मिली होगी, जाहिर सी बात है, कॉल किया गया होगा, बताया गया होगा, एम्बुलेंस सही पर मिली नहीं तो उसको। मोहन पटेल बेमेतरा से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हादसा हुआ कैसे और अभी घायलों की स्थिति कैसी है। जी, बताना चाहूंगा कि दो मोटरसाइकिल जो है वो आपस में भिड़े हैं, वो बहुत स्पीड में थे और घटना स्थल पर इतनी दर्दनाक मौत हुई है। एक की तो घटना स्थल पर मौत हो गई थी और जो 5 व्यक्ति थे टोटल, वो दो मोटरसाइकिल पे सवार थे। आपस में ये भेड़नी और सावतपुर के बीच में जो दुर्ग रोड है वहां पर की घटना है ये, और ये बेमेतरा थाना क्षेत्र के देवरबीजा चौक के रास्ता है। और यहाँ ये जो मोटरसाइकिल में जो एक्सीडेंट हुए वो इतनी दर्दनाक था और मौके पे एक की मौत हुई, उसके बाद उसे यहीं पर से ही पुलिस TI थाना जो है साजा के जा रहे थे, वहीं पर स्पॉट पे उनको दिख गया, वो वहां पर उनको मदद से दोनों घायल और सौ को पूरा वहां जिला हॉस्पिटल भेजवाया गया। लेकिन जाते जाते दो व्यक्ति ने भी वहां पे दम तोड़ दिया था और दो गंभीर रूप से जो घायल है वो प्राथमिक उपचार के बाद इनको रायपुर रिफर किया गया था। तो कहीं ना कहीं क्या ये रोड जो है बहुत हाई स्पीड बाइक चलाने की वजह से ये गंभीर स्थिति में इनकी दर्दनाक मौत हुई है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।